जय हिंद दोस्तों, एग्री गाइडेंस कृषि यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज और भागलपुर से। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि एडमिशन के समय पर जो बीसीसी बोर्ड एप्लीकेशन हार्ड कॉपी जो लगता है उसको आप किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। जब आप लोग बीसीसी का फॉर्म अप्लाई किए होंगे, भरे होंगे, तो आप लोग को इस प्रकार का कुछ फोटोकॉपी आप लोग को मिला होगा, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से भरना है, क्योंकि जब एडमिशन होता है तो उस समय क्या होता है कि आप लोगों को खुद से फॉर्म को भर के वहाँ सबमिट करना होता है, और इस फॉर्म को भरने में बहुत अधिक टाइम लग जाता है। तो अगर आप लोगों को पहले से पता होगा कि किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना होता है तो आप लोग खुद से भर के और एडमिशन में क्या होगा कि थोड़ा सा आसानी हो जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं बीसीसी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बिहार कम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। इस फॉर्म को जो बीसीसी बोर्ड एप्लीकेशन हार्ड कॉपी फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास कम से कम 3 फॉर्म होना चाहिए, जिसमें से 2 फॉर्म जो है फुली कंप्लीट भरा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोना में लिखा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों इसी में अटैच होता है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ भरना है। तो फर्स्ट पेज में क्या होता है कि आप लोगों को कुछ नहीं भरना होता है, ठीक है। फर्स्ट पेज जब आप लोग जो है क्या कि भगाइएगा, तो अब हम लोग आते हैं फर्स्ट पेज के लास्ट पर। देखिए यहाँ पर 27 नंबर में दिया हुआ है आई अनुष्का कुमारी, ठीक है, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डेट है और प्लेस, ठीक है। तो डेट में क्या होता है, जिस दिन आपका एडमिशन होगा उस डेट को लिखना होता है, और प्लेस में क्या लिखना होता है, जिस कॉलेज में, जिससे कि अगर किसी स्टूडेंट का बिहार किसी कॉलेज से और भागलपुर में लिखना है तो प्लेस में उसको लिखना है BAC बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज कोमा सबौर, ठीक है, कोमा सबौर। अगर किसी स्टूडेंट का पूर्णिया में हो रहा है तो जो है उस कॉलेज का नाम है BPSAC पूर्णिया, BPSAC कोमा पूर्णिया, ठीक है। इसका मतलब हुआ भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका जो कॉलेज मिलेगा तो आपको कॉलेज का जो है शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ता है कि एक वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर, तो यहाँ पर आप ऊपर भी यहाँ पर साइन कर सकते हैं। यहाँ है आप लोग का हिंदी में सिग्नेचर, तो यहाँ पर आप लोग जो हिंदी में साइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पेज कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पार्ट बी, तो ये पार्ट बी है। यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर ऑफिस यूज, मतलब इस पेज में आपको कुछ नहीं करना है, इस पेज को आप लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब हम नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि जो इस प्रकार का कुछ आप लोग का इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि आप लोग कहाँ से पढ़े हैं, क्या आप लोग का एड्रेस, ठीक है। मेन जो फॉर्म भरने में जो टाइम लगता है वो इसको भरने में लगता है, इस पेज को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आई अनुष्का कुमारी सर या डॉक्टर ऑफ, ठीक है। तो इस पूरे को क्या होता है, इस पूरे को यहाँ पर जो खाली जगह है इसमें भरना होता है। इसको भरने में क्या होता है, बहुत अधिक टाइम लगता है स्टूडेंट को। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे तरीके से भर लीजिएगा, क्योंकि मेन जो क्या होता है कि ये जो 4-5 लाइन है इसको भरने में बहुत अधिक टाइम लगता है। तो इसको आप लोग सेम टू सेम, इसको केवल जो है ऊपर से छाप देना है नीचे में, ठीक है। वहाँ पर सेम बात है, डेट एंड प्लेस लिखना है, यहाँ पर इंग्लिश में साइन करना और यहाँ पर हिंदी में साइन करना है। इसको आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर गार्जियन का कोई साइन, चाहे फादर का, मदर का, हस्बैंड, गार्जियन, जो भी आपके गार्जियन है वहाँ पर इनका साइन होगा, ठीक है। इस पेज को आप लोग को छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एट द टाइम ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग, अगर आपका एडमिशन जो फर्स्ट काउंसलिंग में हो रहा है तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में साइन करना है। अगर आपका जो एडमिशन सेकेंड काउंसलिंग में हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर और इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में साइन करना। अगर आपका एडमिशन जो है मॉपअप काउंसलिंग मॉपअप राउंड में हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में साइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है फॉर ऑफिस यूज, तो जहाँ जहाँ पर ऑफिस यूज लिखा होगा वहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, ठीक है। ये सब है क्या कि सेकंड काउंसलिंग के समय जो आप लोग को भरना होता है, फर्स्ट काउंसलिंग में जो है ये सब कुछ नहीं भरना होता, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्या हुआ, क्या कि जो पार्ट ए एंड पार्ट बी जो बीसीसी बोर्ड के द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म जो
फॉर्म जो था वो जो फिल हो गया, ठीक है। तो एडमिशन के समय क्या होता है कि इस फॉर्म को भरने में बहुत अधिक टाइम लग जाता है, तो आप लोग खुद से इस फॉर्म को पहले ही भर लीजिएगा ताकि वहाँ पर आप लोग को टाइम अधिक ना लगे। और यह वीडियो को आप लोग वीडियो को देखते तो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि हम लोग को भी कुछ सपोर्ट मिल सके और हम लोग जो इसी प्रकार का वीडियो बनाकर आप लोग को हेल्प कर सके ताकि आप लोग को जो है सभी चीज़ की जानकारी हो सके कि कौन सा फॉर्म कैसे भराता है, क्या पढ़ना होता है, हॉस्टल में क्या फैसिलिटी होता है, एडमिशन के समय पर कितना फीस लगता है। और अपने और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।